हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुवाव स्टाइल। सो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक जो है हेयर रिमूवल के ऊपर है। सो गाइस, मैं आज अपना हेयर रिमूवल करने जा रही थी, फेशियल हेयर रिमूवल प्लस मेरी आईब्रोज में शेव करने जा रही थी। सो गाइस, आई थिंक क्यों ना मैं अपना जो हेयर रिमूवल का प्रोसेस है मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप एक हेयर रिमूवल पे वीडियो बनाइए। मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि आईब्रोज और कैसे आपको आईब्रोज शेव करने चाहिए, आपको अपने जो फेशियल हेयर है वो कैसे रिमूव करने चाहिए। गाइज, मैं बस मैं एक दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी जो बहुत नॉर्मल सी है। सो काफी लोगों ने मुझे भी बोला था, मेरे को भी कई काफी लोगों ने बोला कि जब भी आप रेजर यूज करते हैं अपने स्किन पे या कहीं भी आप अगर फेस पे यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि आपके जो हेयर है वो काफी हार्ड हो जाते हैं या उनका ग्रोथ वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है, या फिर आपके बाल जो है काफी डार्क आते हैं। फिर भी मैंने ट्राई किया कि कैसे क्या रिजल्ट आता है अगर आप अगर आप ट्राई करें कोई चीज, आपको देखे भी कोई भी चीज आप देखते हैं आप बिलीव नहीं करते, लेकिन जब वो चीज खुद के साथ होती तो आपको बिलीव होता है। सो मैंने भी अपने ट्राई किया कि शेविंग टेक्सचर में होता क्या है। तो फर्स्ट में आई थिंक 5-6 मंथ्स हो गए मैंने जो रेजर था वो ब्रिफ लगाते हैं। तो फेशियल रेजर होते हैं वो थोड़े अलग आते हैं, सो कुछ होता है तो इस टाइप के फेशियल हेयर होते हैं जो कि आपके स्किन के जितने भी आपके हेयर रिमूव कर देता है। और जो लेग्स के रेजर आते हैं, सो जो लेग्स के रेजर आते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। आप अपने आर्म्स, अंडर आर्म्स या फिर अपनी लेग्स पे यूज करते हैं, बट कभी भी इस टाइप के रेजर अपने फेस पे ना यूज करें, क्योंकि जो आपकी स्किन है वो काफी सेंसिटिव होती है। तो आप बजाय उसके ये वाला रेजर यूज अपने लेग्स पे कीजिए, फेशियल के लिए अपना ये वाला रेजर यूज कीजिए। सो इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको आज बताऊंगी, इसका ट्यूटोरियल दूंगी। सो गाइस, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, कभी भी आप एकदम से अपने फेस पे पूरा ट्राई ना कर लें, हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो, आपकी स्किन को सूट ना करे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उसको यूज करना चाहे फर्स्ट टाइम यूज करने वाले, तो आप एक कोई आप कहीं भी स्किन का कोई पैच सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इतना पोर्शन सिलेक्ट कर लेते तो आप छोटा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं आप अपने फेशियल का। तो आप उसको 2 या 3 डेज 4 डेज तक वेट कीजिए। अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इरिटेशन नहीं होती, या फिर कोई भी आपको पिंपल ना हो जाए, कुछ भी टाइप कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई इशू होती है, तो आप मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर दूंगी। तो आप अगर आपको कोई ना कोई अगर आप इतने से भी अगर आप पूरे फेस पे यूज कर लेंगे तो मे बी कुछ और भी रिएक्शन हो सकते हैं। सो जिनको कुछ सूट नहीं करता है तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगी कि वो फेशियल हेयर प्रोसेस यूज करें विद रेजर। तो आगे सो नेक्स्ट बात आती है इसको यूज कैसे करना है, इरिटेशन ना हो कोई भी। तो आपको कभी भी इसको वेट स्किन पे या एकदम से ड्राई स्किन पे यूज नहीं करना है। आपको कोई भी अपने फेस पे लोशन, बहुत सारे इनहिबिटर्स भी आते हैं, लोशंस भी आते हैं, तो आप वो लगा के आप इसको इसका हेयर रिमूवल कर सकते हैं रेजर से, या अपनी एलोवेरा जेल जो बहुत ही सस्ती आती है, एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई करें, पतंजलि की एलोवेरा यूज कर सकते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद आप उसको एक अच्छे से मसाज कर लें, देन आप उसको हेयर रिमूवल कर सकते हैं। या फिर मैं जो यूज करती हूँ वो यूज करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, या फिर आप फिगारो का ऑयल, मेरे पास फिगारो का ऑयल भी है तो वो मेरा भी खत्म हो गया, तो मैं फिगारो का ऑलिव ऑयल भी, दोनों आप चीजें यूज कर सकते हैं कोई भी। उससे क्या होगा, जो आप हेयर रिमूव करेंगे बहुत इजीली है, सॉफ्टली हेयर रिमूव हो जाएंगे और कोई भी आपको रिएक्शन नहीं होगा। सो नेक्स्ट बात आती है कि कईयों का कहना है कि जो आपका शेव करने के बाद आपका जो स्पॉट है वो जो जहाँ से आप शेव करते हो वो डार्क हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपने यूज किया, मैं लेग्स का मैं ये नहीं बोलूंगी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मैं लेग्स पे अपनी जो शेविंग कर रही हूँ काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, मतलब 4-5 ईयर्स हो गए मुझे। और जब स्कूल में थे तो हम लोग वैक्सिंग नहीं कराते थे, तो 10, 9, 10, 10, 12 में आके तो वैक्सिंग नहीं होता था, हम लोग तो मोस्टली रेजर ही यूज करते थे। तो उसके बाद मैंने अभी 5 या 6 ईयर्स हो गए, तो मैं वैक्सिंग भी कराती थी, लेकिन जब मैं बस टाइम नहीं होता था मैं तो मैंने रेजर्स यूज करना शुरू कर दिया। तो रेजर से मुझे कोई भी डिफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी स्किन हार्ड नहीं हुई, मेरी ग्रोथ हार्ड नहीं हुई, ब्लैक स्पॉट मैंने कुछ रिज्यूम किया होगी, हाँ कोई ब्लैक तरह का ब्लैक स्पॉट है, तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। तो अभी 5 मंथ्स हो गए मैं अपने फेशियल हेयर जो है वो शेव कर रही हूँ रेजर के साथ, सो मेरे को भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है कुछ भी इस टाइप का, कोई रिएक्शन कोई स्किन प्रॉब्लम। तो आज मैं भी अपने फेस पे शेव करने जा रही थी, मतलब अपने आईब्रोज शेव करने जा रही थी। सो आई थिंक मैं आपके साथ शेयर करूँ ये मेरा जो फेशियल हेयर रिमूवल प्रोसीजर है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फेशियल हेयर रिमूवल प्रोसीजर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले मैं लूंगी अपना कोकोनट ऑयल, पैराशूट कोकोनट ऑयल, तो इसको मैं थोड़ा सा अपने फेस पे लगाऊंगी।
जहां जहां मुझे अपना शेव करना है कोकोनट ऑयल वैसे भी स्किन के लिए ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और अगर आपकी ड्राई स्किन है वैसे तो ऑयली स्किन वाले भी कभी भी इसको ड्राई स्किन पे ना अप्लाई करें आपको हमेशा अपना जो स्किन है वो मॉइस्चराइज करके अच्छे से या फिर ऑयल कोई भी ऑयल यूज करके तभी आपको हेयर रिमूव करना ये रेजर है ना तो इस रेजर को कैसे पकड़ना अगर आपको एंगल शेप में आपको अपना शेप करना है लाइक अगर आपका हेयर ग्रोथ स्ट्रेट डाउनवर्ड्स है तो भी आपको जो अपना रिमूवर है जो रेजर आप डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे और अगर आपका फेशियल लेवल इस साइड का है तो फेशियल ग्रोथ इस साइड का है तो भी आपको डाउनवर्ड्स लेके आना है आपको अपवर्ड नहीं करना ऐसे नहीं करना ऐसे कहीं नहीं जाना सिर्फ डाउनवर्ड्स आपका जो रेजर वो डाउनवर्ड्स जाना चाहिए तभी आपका हेयर जो अच्छे से निकलना एक ही हेयर एंगल में निकलना चाहिए सो मैं आपको स्टार्ट कर आप अपना जो एरिया सिलेक्ट कर ले आपको इतना चाहिए तो याद रखेगा आपको ये बड़े हेयर नहीं रिमूव कर रहे कि जब ये हेयर रिमूवर जब ये वाले हेयर रिमूव हो जाते हैं इनका ग्रोथ आता है तो बहुत वो अच्छा नहीं लगता है सो जो आपके बिल्कुल ये पोर्शन है जो आपके चीक्स पे स्किन पे है जो दिख नहीं रहा है फिलहाल तो वही फेशियल हेयर रिमूव करना है आपको सो मैं स्टार्ट करके बताती हूँ आपको कोई जल्दी नहीं करनी है बिल्कुल स्लोली अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी फास्ट नहीं होना है बहुत स्लोली करना है फास्ट नहीं धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी एकदम से आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होगी सो बहुत मैं अभी तक इसको बहुत स्लोली करती हूँ बिकॉज फेस की बात है और अगर आपको कुछ भी ऐसा कट लग जाए या कुछ और हो जाए तो बिल्कुल भी फेस पे अच्छा नहीं लगेगा तो देख सकते काफी सारे इसमें हेयर्स आ गए हैं टिश्यू पेपर के आप ऊपर इसको क्लीन कर ले अच्छे से उसके बाद एक साफ टिश्यू की हेल्प से अपने जो फेस पे हेयर्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी अपर लिप्स आपको कैसे शेव करने हैं आपको वही डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर है एंगुलर आप ऐसे इस एंगल में पकड़ेंगे सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी आईब्रोज कैसे शेव करनी है सो फर्स्ट मैं ये बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि कैसे आपको करनी है जैसे जैसे आप करेंगे रेगुलर हो जाएंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी तो मैं फर्स्ट अपने जो आईब्रोज पे है वो मैं पहले एक शेप ड्रॉ कर लूंगी जो मेरे को शेप चाहिए जितना मोटा चाहिए जितना पतला चाहिए तो मैं एक शेप ड्रॉ कर लूंगी तो उसी शेप के एक गाइडलाइन हो जाएगी उस जो ड्रॉ करेंगे लाइन वो एक गाइडलाइन हो जाएगी तो हमें इजीली हम लोग अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं गाइडलाइन हो गई सो आप देख सकते हैं मेरी दोनों आईज में कितना डिफरेंस है बहुत ही डिफरेंस अभी एकदम फ्रेश जो ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी जो थ्रेडिंग करवा के आई हूँ और दोनों आईज में आप डिफरेंस देख सकते हैं सो इसी तरह आपको आईब्रोज शेव करनी है बहुत स्लोली कर ले मैं जितना बोलूँगी जितना आप टाइम ले सकते हैं क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस टाइम होगा आप अपने पे प्रैक्टिस कर रहे हो आईब्रोज की बात है सो आपको बहुत स्लोली करना है बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना कि हाँ मुझे आ गया ये तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा मैं फट से कर लूँगी प्लीज़ मैं गाइज बोल रही हूँ कि आप इसको बहुत स्लोली करें ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा आपको टाइम लगेगा सीखने में उसके बाद आपको एक गाइडलाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी
ये गाइडलाइन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए की है कि जो भी फर्स्ट टाइम करने वाले हैं उनको थोड़ा सा एक गाइडलाइन मिल जाए, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा जो आपकी एक्चुअल आईब्रो है उसका हेयर मूव ना हो जाए, सो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप अपना फेस शेव कर ले उसके बाद आपको अपना फेस अच्छे से वॉश करना है। मैं आपको फेस वॉश यूज करने के लिए नहीं बोलूँ, अच्छे से पानी, ठंडे पानी से आपको अपना फेस वॉश करना है। उसको ड्राई करने के बाद अच्छे से अपने फेस पे अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको लगाना है, ताकि कोई भी आपको इरिटेशन ना हो, रेडनेस ना हो, तो कुछ किसी टाइप की इरिटेशन ना हो या फिर कोई भी इचिंग ना हो। सो गाइज, ये था मेरा आज का हेयर रिमूवर ट्यूटोरियल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आपसे ना मिस हो। सो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको बहुत जल्द मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।